ओम अज्ञातिमरंदस्य ज्ञानांजन शलकाय चक्षुर्मीलित येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषा शून्यवादी पश्चाताय देशतारणे। हरे कृष्ण। तो हमारा परम सौभाग्य है तो प्रभुपाद जी का 125 का ये गोल्डन जुबली मना रहे हैं पूरा वर्ल्ड में। तो कुछ ही मिनट में कुछ प्रस्तुत करना है प्रभुपाद के बारे में। हमारा वैसा योग्यता नहीं है प्रभुपाद के बारे में बोलने का, तो फिर भी प्रभुपाद की ही कृपा, गुरु महाराज की कृपा, वैष्णव की कृपा से दो शब्द बोलने का हम लोग प्रयत्न करते हैं। तो कम से कम मैं तो प्रयास करता हूँ। तो कहा जाता है कि प्रभुपाद के अनेक दिव्य गुण के बारे में, जैसे भगवान बोलते हैं ना जन्म कर्म च में दिव्यम, तो उसी प्रकार भगवान के प्रभुपाद में भी महान पुरुष, महापुरुष, महात्मा जो होते हैं उनमें भी बहुत दिव्य गुण होते हैं। तो प्रभुपाद जी में ऐसे दिव्य गुण थे उसके बारे में कहा जाता है कि प्रभुपाद जी बहुत ही दयालु थे। तो दयालु होने के कारण से ही प्रभुपाद जी तो पूरा भारत को छोड़कर, मतलब पाश्चात्य देश में जाकर अपने गुरु ने जो भी उनको आदेश उपदेश दिया था, अंग्रेजी में जाकर आप भगवद गीता भागवत धर्म का प्रचार और प्रसार करना है, तो प्रभुपाद जी ने अपने जीवन में पूरा पूरा उतर कर तो वो कार्य सक्सेस किया। तो कहा जाता है कि प्रभुपाद जी दयालु थे ही वो। और ऐसा कहा जाता है कि एक बार प्रभुपाद जी मंदिर से जब बाहर आ गए तो उस समय की बात है, तो प्रभुपाद जी देख रहे थे कि मंदिर के बाजू में कुछ खाकर वो पत्ते फेंकते हैं, तो उसमें से बहुत से कुत्ते वगैरह एक दूसरे के ऊपर टूट कर पड़े थे, झगड़ रहे थे बहुत खाने के लिए। और कुछ गरीबी भक्तों गरीब लोगों के भी कुछ जो छोटे छोटे बच्चे होते वो भी वो पत्ते से अन्न निकाल कर खा रहे थे। तो प्रभुपाद ने देखा, तो देखने के बाद प्रभुपाद के मतलब नेत्रों से तो प्रेम के आश्रु धारा बहने लगी प्रभुपाद जी का। कहा जाता है ना कि प्रेमांजनु चरित भक्ति विलोचयन संतस दैव हृदयेश विलोकयंती। तो इस प्रकार प्रभुपाद जी के आँखों में आंसू आया भरकर, तो प्रभुपाद ने उसी टाइम निर्णय ले लिया कि जितने भी मेरे मैं मंदिर का निर्माण करूँगा तो वो सब मंदिर में लगभग 10 किलोमीटर दूरी में, 10 किलोमीटर अंतर में कोई भी जीव भूखा नहीं रहेंगे। तो उसके कारण से ही तो आज हर मंदिर में फूड फॉर लाइफ जो अन्नदान करने का प्रोसेस चल रहा है, प्रभुपाद जी का ही कृपा से है वो। तो हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी का यह कितना तो कृपा है। तो उसी प्रकार तो प्रभुपाद जी तो हम लोगों को मतलब हर भक्त को बहुत कुछ दिए हैं। तो उसमें से है कि मंगल आरती और हरिनाम, श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता अध्ययन करना वगैरह, तो और प्रसाद, तो ये इस प्रकार का प्रभुपाद जी ने हमको बहुत से कुछ दिए है। क्योंकि हम लोग भगवान की सेवा करते करते शुद्ध होकर तो परम धाम को प्राप्त हम लोग कर सकते हैं, इस से प्रभुपाद जी ने बहुत से ये भी दिया है। तो कहते हैं कि प्रभुपाद जी को जैसे कहा जाता है कि प्रभुपाद जी अमेरिका चले गए, तो उस समय की बात है कि प्रभुपाद जी को बहुत से वहाँ पर भी कुछ साधु संत मिले। प्रभुपाद जी को बोल रहे थे कि प्रभुपाद स्वामी जी तो यहाँ पर ऐसा कुछ चलता नहीं, चम्मच से खाओ और धोती कुर्ते पे धोती कुर्ता छोड़कर पैंट शर्ट पहनिए और कुछ यहाँ से लेकर चले भारत वापस। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते थे। प्रभुपाद जी परम सत्य के बारे में
जो कृष्ण भगवान जो है तो उनको मतलब सबको मतलब अपना अपना जो रिलेशन है वो जोड़ने के लिए प्रभुपाद जी ने पूरा पूरा अपना प्रयास लगाकर वो कार्य सक्सेस किया। ऐसा अनेक दिव्य गुण हैं, तो कितना भी अगर प्रभुपाद के बारे में बोलेंगे तो बहुत ही कम है। तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्य धन्य है कि जैसे प्रभुपाद के संस्था में मुझे एक मौका मिला। तो मैं यही आशा करता हूँ प्रभुपाद के चरणों में, तो ऐसा ही कुछ चरणों में टिक कर रह कर सेवा कर, वैष्णव सेवा और प्रभुपाद की आंदोलन की सेवा करो, योगदान कुछ तो दो, तो ऐसा ही मेरे ऊपर कृपा करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रभुपाद जी का ये जो तिरुभव आविर्भव दिन है तो उसका उत्सव का महाउत्सव मनाएंगे 31 तारीख को। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगद्गुरु श्री प्रभुपाद की जय।